LSE पर भारत और चीन के बीच बीते कई महीनों से तनाव जारी है। इस दौरान कई बार भारतीय सेना ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीन की हर साजिश को नाकाम किया है। इसी बीच चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चीनी सैनिक रोते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोते हुए ये सैनिक सीमा पर तैनात होने जा रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी कॉमेडियन जैद हामिद ने शेयर किया, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि चीनी सैनिक इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उन्हें कथित तौर पर भारतीय सेना का सामना करने के लिए लद्दाख बॉर्डर पर भेजा जा रहा है। हामिद ने लिखा कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी ने चीनी भाइयों को गंभीर रूप से आहत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम पाकिस्तानी चीन का समर्थन करते हैं, आप बहादुर बने रहें। हालांकि पाकिस्तान चीन का सहयोगी है, फिर भी हामिद टेंडर ने चीनी सैनिकों का जमकर मजाक उड़ाया। ये फुटेज मूल रूप से फुयांग सिटी वीकली के वी चैट पोज पर पोस्ट किया गया था, लेकिन इसे जल्द ही हटा लिया गया। वीडियो में दिख रहे सभी नए सैनिक कथित तौर पर कॉलेज के छात्र हैं, जिन्हें तिब्बत में सीमा पर सेवा के लिए भेजा जा रहा था, जो लद्दाख क्षेत्र की सीमा से जुड़ा हुआ है और यहीं पर इस साल जून में गलवान घाटी की झड़प भी हुई थी। ये वीडियो कथित तौर पर फुयांग रेलवे स्टेशन पर फिल्माया गया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल TV9 भारतवर्ष से। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,